हमारे बीच में बहुत इंतजार के बाद कन्हैया मित्तल जी आ चुके हैं, जोरदार तालियां। गुरु जी का आशीर्वाद ले रहे हैं कन्हैया मित्तल जी, और आप लोगों की तालियां रुकनी नहीं चाहिए, जोरदार तालियां। कन्हैया मित्तल जी भारत के एक प्रसिद्ध और सबसे कम उम्र के भक्ति गायक हैं। इनके लिए ये कोई किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। आज देश और विदेश में कन्हैया मित्तल जी के, खाटू श्याम जी के भजन और सालासर बालाजी के भजन देश भर में गाए जा रहे हैं, बहुत प्रसिद्ध भजन हैं। हम सभी लोग इनको सोशल मीडिया और यूट्यूब में सुनते हैं, और आज आप लोगों का सौभाग्य है जो आप यहां पर हैं। गुरुजी का आशीर्वाद ले रहे हैं, और इस मंच में, ये जो गुरुजी का मंच है, यहां पर कन्हैया मित्तल जी पधार चुके हैं। 2020 में दिव्य सम्मान पुरस्कार इनको मिला है भक्ति गायन में, और आज आपके सम्मुख कन्हैया मित्तल जी अपने बालाजी के भजन और खाटू श्याम जी के भजन, हनुमान भजन, आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। आज आप लोग, जब तक इनका भजन चलेगा, आप लोग कोई नहीं यहां से हिल पाएगा। तो आज गुरुवर के दरबार में ये हम सब का सौभाग्य है कि हम लोग यहाँ पर हैं, और आज सामने से हम सुन रहे हैं कन्हैया मित्तल जी को, जोरदार तालियां। मैं अब कन्हैया जी को मंच सौंपती हूं, और ये मंच अब उनका है, गुरुवर के सामने अपने भजन की प्रस्तुति, कन्हैया मित्तल जी। कन्हैया जी का भजन है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हारे का सहारा, ये कन्हैया जी के सुप्रसिद्ध भजन है, जिनको आज आप लोग अपनी आंखों के सामने यहां सामने बैठकर सुनेंगे। एक बार जोर से नमो राघवाए, जय जय सिया राम। परम पूज्य पद्म विभूषित तुलसी पीठाधीश्वर प्रातः स्मरणीय मेरे पिता तुल्य गुरुदेव भगवान, बस यहीं तक कहूंगा, नाम लेने की मेरी औकात नहीं है जो बैठे हैं, क्योंकि जिस पल को हम जी रहे हैं, जिस फल को हम खा रहे हैं, उस पेड़ की जड़ में मिट्टी और पानी जिसने दिया है, वो बैठे हैं गद्दी के ऊपर साहब। सारी दुनिया, मैंने उस समय दो लाइनें लिखी थी कि राम के विरोध में, राम के विरोध में ढोंगी खड़े हैं, और राम के साथ देखो योगी खड़े हैं। ये वही प्रताप है। आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम, गुरुदेव भगवान के
चरणों में मेरा प्रणाम हमारे आदरणीय जय भैया। आज मेरे पास दो दो जय है, मेरी कैसे पराजय हो। साला सरधाम से भी और सभी आए हुए, और ये हमारा भाई तब से जय हो श्री रामचंद्र दास जी की जय हो। क्योंकि मैं छोटा भाई नहीं हूं इनका, मैं छोटा बच्चा हूं। भाई हो तो गलती कर जाए, बच्चे को तो वैसे ही माफ होता है। जय जय सियाराम। आइए गुरुदेव भगवान बैठे, सबसे पहले मुझे इजाजत मिली है घोटा और झंडा लहरा दे जरा प्रभु का एक बार प्रेम से, फिर आगे जो भी आप सुनना चाहेंगे आपके बीच हूं। आज जल्दी नहीं जाऊंगा क्योंकि कल की फ्लाइट नहीं है मेरी जो मुझे जल्दी जाना पड़े। अब जब तक आनंद आएगा तब तक चलेगा। ओके, एक बार प्रेम से कह दो जय श्री राम। क्या बात है, एक बार और कह दो जय श्री राम। अभी तो 500 साल बाद 5 साल के रामलला आए हैं, एक बार और जय श्री राम बोलिए। जब 5 साल के रामलला की ये जय श्री राम है, तो जब ये 5 साल के रामलला 500 साल के हो जाएंगे तब जय श्री राम कैसा होगा, ये सोचने वाली बात होगी। आइए प्रेम से।
जब भरत जी ने बाण मारा गलती से और हनुमान जी नीचे उतरे तो लक्ष्मण जी की धर्म पत्नी ने हनुमान जी को भोजन कराया। हनुमान जी को पूछा गया कि क्या क्या खाओगे और मुस्कुराते कराया। तो हनुमान जी बोले, माता आपका पति तो मृत्यु शैया में बैठा है और आप मुस्कुरा रही हैं, भोजन करा रही हैं। माता बोली, हनुमान जिसकी गोद में लक्ष्मण जी लेटे हुए ना, उसकी गोद से महाकाल भी उन्हें लेकर नहीं जा सकता। वो राजा राम है, इसीलिए लहर लहर झंडा पर्वत पहुंचा, लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। आवाज कम, लक्ष्मण जी के प्राण बचाए रे, लक्ष्मण जी के प्राण बचाए रे, झंडा बजरंग बली का लहर लहर लहराए रे, झंडा बजरंग बली का, बजरंग बली का झंडा, बजरंग बली का, उत्तर प्रदेश नहीं पूरा भारत आज इस पंडाल में बैठा है। जितने भी कैमरे हैं सारे कैमरे भक्तों की तरफ, कैमरामैन फोकस, उठाओ जरा दोनों हाथ, पता लगे कौन कौन कहां कहां से आया है। जरा ताली बजा के जोरदार, एक काम ही महोत्सव में आए हैं। गुरुदेव भगवान ने आपको मौका दिया कि राम से पहले राम से मिलवा दिया, यही गुरुओं का काम होता है। एक बार गुरुदेव भगवान के लिए दोनों हाथ उठा के ताली बजाकर अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरा ताली बजाकर ये बात, लहर लहर झंडा अयोध्या में पहुंचा, जी का तिलक कराए रे, राम जी का तिलक कराए रे, झंडा बजरंग बली का लहर लहर आए रे, झंडा बजरंग बली का, बजरंग बली का झंडा, बजरंग बली का, बजरंग बली का झंडा, बजरंग बली का।
बरसाने वाले बैठे हैं और बीच में मेरे मथुरा वाले बैठे हैं। अब देखता हूं जय श्री राम जोर से कौन बोलता है। एक बार कह दो जय श्री राम। मतलब मथुरा भी सजाने की तैयारी है। राम लला हम आएंगे, राज तिलक करके जाएंगे और उसके बाद मथुरा सजाएंगे। दोनों हाथ उठा के कहना राम जी का तिलक कराए रे झंडा बजरंग बली का। घोटा समझते हो गदा? एक हाथ उठाना जरा, सिर्फ एक हाथ उठाना मुट्ठी बंद करके, सारे कैमरे भक्तों की ओर। एक हाथ उठाना मुट्ठी बंद करके और घुमा लो जरा अपने ऊपर। घोटा 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 फिर बालाजी का घोटा। घोटा 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 बालाजी का घोटा। घोटा 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 फिर बालाजी का घोटा। घोटा 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 फिर बालाजी का घोटा। जब ये घोटा घूमने लगा, पंडाल भी पड़ गया छोटा, पंडाल भी पड़ गया छोटा फिर बालाजी का घोटा। घोटा 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 फिर बालाजी का घोटा। घोटा 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 फिर बालाजी का घोटा। घोटा 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 फिर बालाजी का घोटा। छिनके घर में घोटा होता, छिनके घर में घोटा होता, छिनके घर में घोटा होता, छिनके घर में घोटा होता। घोटे वाला है क्या आपके घर में? घोटे वाला किस किसके घर में है? हनुमान जी किस किसके घर में है? तालियां सुनो जरा। इक्कीस बार बजाना राम राम बोल के, बाईसवीं बार चुप हो जाना, बाईसवीं बार ताली राम बोलेगी। जरा कोशिश करो। राम 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 राम। अब आप चुप हो जाओ, ताली राम सुनो। ताली राम बोली कि नहीं बोली? अरे कोई दोगला हिंदू हो तो मत बोलना, जो कट्टर हिंदू हो वही बोलना। ताली बोली कि नहीं बोली? घोटा 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 मेरे बालाजी का घोटा। घोटा 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 मेरे बालाजी का घोटा। घोटा 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 मेरे बालाजी का घोटा। जिनके घर में घोटा होता, 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 वो भक्त कभी ना रोता। कई लोग हैं जो राम जी से भी पंगा लेते हैं, हनुमान जी से भी पंगा लेते हैं। दोगले हिंदू समझते हो? दोगला हिंदू समझते हो? जो हिंदू होकर ही हिंदू की जड़ें काटता है, जो घोटे से पंगा लेता, घोटे से पंगा लेता, जो 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 घोटे से पंगा लेता, वो हिंदू नहीं है होता। वो हिंदू नहीं है होता मेरे बालाजी का घोटा। घोटा 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 मेरे बालाजी का घोटा। घोटा 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 मेरे बालाजी का घोटा। मेरे बालाजी का घोटा, मेरे बालाजी का घोटा।
सौभाग्य मिला आने से पहले दो मिनट पहले, आज का दिन आप यहां कथा में थे, वहां मंदिर में 5 साल के रामलला की मूर्त खड़ी कर दी गई है आपके पीछे। आप यहां थे, वहां क्या हो रहा था वो बता रहा हूं। तो मैंने लिखा, अयोध्या सज गई है सरकार, 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 अयोध्या सज गई है सरकार। अब ना बीट के बाद आना है, समझ जाओ, दो बार बजाएगा फिर आना, अयोध्या क्या बात है, अयोध्या अयोध्या, इधर वालों को और चेक करें इधर, अयोध्या थोड़े से सुस्त है, आपकी बारी है, अयोध्या रहने देते हैं, चलो एक मौका और देते, अयोध्या सज गई है सरकार, अयोध्या सज गई है सरकार, अयोध्या सज गई है सरकार, अब ना देर लगाओ राम जी, ना देर लगाओ राम जी, अब ना देर लगाओ राम जी, सिंहासन तैयार, अयोध्या सज गई है सरकार, अयोध्या सज गई है सरकार, अयोध्या सज गई है सरकार। और जिसको खुशी हो दोनों हाथ उठा के, मेरी तरह जरा हमारे यहां ऐसे होता है, दोनों हाथ उठा के ताली नहीं बजानी, ये बात एक दो एक, आशीर्वाद इस अमृत महोत्सव में गुरुदेव भी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप सदैव प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और गुरुदेव के अमृत महोत्सव पर पूरा देश जहां अमृत महोत्सव बना रहा है, हम भी, गुरुदेव ने हम सबको आशीर्वाद दिया है, और यह भगवान की माया है कि पूरा राम मंदिर पीछे तैयार हुआ है। मैंने आते ही कहा था राम से पहले राम, हमारे गुरुदेव भगवान ने मंदिर दिखाया है, जोरदार तालियां बजे जरा अमृत महोत्सव में।